ये है दिल्ली दर्पण। DLDAV स्कूल पीतमपुरा में चल रही ये तैयारियां DAV फेस्टिवल 2018 के दौरान होने वाले मेगा शो की हैं। DAV यूनाइटेड फेस्टिवल में आपको 6 समय बाकी रह गया है, ऐसे में DAV फैशन एंड लाइफस्टाइल वीक की तैयारियों का जोर पकड़ना लाजमी है। तभी तो DAV फैशन एंड लाइफस्टाइल वीक में मॉडलिंग में अपने हाथ आजमाने वाले DAVians लगातार अपनी प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। मॉडलिंग के हर पहलू से अवगत कराते शो के कोरियोग्राफर कैलाश चांदना के साथ इस बार दो प्रोफेशनल मॉडल भी यहाँ पहुँची, जो लड़कियों को मॉडलिंग की जानकारी दे रही थी। इन मॉडल्स ने बताया कि लड़कियों को किस तरह से अपना बेस्ट देना है और किन किन चीजों पर काम करना बेहद जरूरी है। हम इस समय इकट्ठा हुए DAV यूनाइटेड सेलिब्रेशन के लिए, जो 130th सेलिब्रेशन है। यहाँ पर हम DAV के जो बच्चे हैं और टीचर्स हैं, उनकी फैशन पर कितनी पकड़ है और कितनी काबिलियत है, और ये हम सब भी जानना चाहते हैं, और इन द सेंस हम ये आगे सबको दिखाना भी चाहते हैं, क्योंकि शायद DAV मैनेजमेंट इस कोर्स के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ सीरियसली विचार कर रहे हैं। हमारे पास इस समय मिस मोनिका खट्टर, जो बहुत प्रोफेशनल मॉडल हैं, टाइटल होल्डर हैं, एंड मिस नेहा बाल्यान, ये भी टाइटल होल्डर हैं एंड प्रोफेशनल मॉडल हैं। आज हमने इनको इन्वाइट किया है कि ये बच्चों को मॉडलिंग की जो बारीकियाँ हैं उनसे रूबरू कराएँ, उनके बारे में बताएँ। बिकॉज जो हमने मॉडल सेलेक्ट किए हैं, इसमें 60% बच्चे हमने DAV कुलाची हंसराज स्कूल के लिए हैं, जो अभी शायद इमैच्योर हैं, 12th क्लास से छोटे बच्चे हैं। उनको फैशन इंडस्ट्री के बारे में मालूम होना चाहिए, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इस फ्रेटर्निटी को हमने बुलाया है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इवेंट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो ऐसा लग रहा है मैं वापस अपने स्कूल के दिनों में आ गई हूँ। आई थिंक हमारे टाइम पे ये मौका नहीं मिलता था। DAV ने ये अपॉर्चुनिटी दी है टीचर्स को, हम अपने गुरुओं को रिस्पेक्ट देने की फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि इस मंच दिया है कि इस प्रोग्राम को, इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा स्टडी कर सकें। अच्छे टीचर्स दिए हैं, अच्छे गुरु दिए हैं, जो उनको फैशन और स्टाइलिंग के बारे में समझा सके। और यहाँ पे आज मैं सभी बच्चों को, DAV के बच्चों को फैशन के बारे में कुछ टिप्स देने आई हूँ, जो मैंने सीखा है अब तक। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ बता पा रही हूँ इन बच्चों को फैशन के बारे में, जो अब तक मैंने सीखा है। कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वॉक करते टाइम, रैंप वॉक करते टाइम। कॉन्फिडेंस अगर बच्चे का इस टाइम पे हम देखेंगे, कॉन्फिडेंस ही मेन है इस टाइम। तैयारियों का जायजा लेते वक्त दिल्ली दर्पण TV की टीम एक ऐसे शख्स से मिली जो वैसे तो DAV एलुमनाई हैं, लेकिन ये एलुमनाई बाकी एलुमनाई से कुछ अलग और खास हैं। हम बात कर रहे हैं सिमरन चावला की, जिन्होंने हाल ही में हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है और इस वक्त मल्टीनेशनल कंपनी में रोबोट कन्वर्सेशन राइटर की जॉब कर रही हैं। जो मुकाम लोग दोनों आंख होने पर भी हासिल नहीं कर पाते, वो मुकाम सिमरन चावला ने हासिल कर लिया है। बता दें कि सिमरन ने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीता है। मैंने अभी हंसराज कॉलेज से आई पास आउट, आई डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर, एंड नाउ आई एम वर्किंग एज रोबोट कॉन्वर्सेशन राइटर एट रोबोजन इनकॉर्पोरेटेड। आई वन अ ब्यूटी पेजेंट व्हिच इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स बाय द नेम ऑफ प्रिंसेस इंडिया 2016-17, एंड आई वाज क्राउन्ड बाय जॉन अब्राहम। DAV फैशन एंड लाइफस्टाइल वीक में मॉडल्स के साथ फोटोग्राफर्स के लिए भी खुद को एक्सपोज करने का एक सुनहरा मौका है। जो DAVians फोटोग्राफी में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, उनको गाइड करने पर्ल एकेडमी के फोटोग्राफर, कोर्स के प्रोफेसर रोहित ढींगरा पहुंचे, जिन्होंने न केवल बच्चों को फोटोग्राफी की बारीकियों से अवगत कराया, बल्कि एक परफेक्ट फोटोग्राफर बनने के गुणों की जानकारी दी। हमारे बच्चे DAV के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं इनके फैशन शूट के लिए और फैशन फोटोग्राफी के लिए, तो हम इनको बहुत सारी पिक्चर्स दे रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। बहुत काफ़ी क्रिएटिव पिक्चर्स कर रहे हैं बच्चे इनके, और कुछ पिक्चर्स हम आपको बाद में अभी इसमें दिखाएंगे भी। आजकल देखिए, फोटोग्राफी करना कोई टेक्निकली साइड में ज़्यादा मुश्किल नहीं रह गया है, क्योंकि डिजिटल कैमरे आ गए हैं
आप जैसे ही फोटो खींचते हैं फोटो आपको दिख जाती है। तो मेन एस्पेक्ट फोटोग्राफी की जो चाहिए, आपकी फ़ोटो में कोई स्टोरी होनी चाहिए, उसके पीछे कोई कहानी होनी चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई मैसेज होना चाहिए, जो बच्चे नहीं ध्यान रखते। हर तरफ छाई डीएवी की धूम क्या कमाल करती है, ये 21, 22 और 23 दिसंबर को होने वाले मेगा इवेंट में सबके सामने होगा। लेकिन ये बात तो साफ है कि डीएवी फेस्टिवल 2018 कई डीएवीएंस को एक प्लेटफॉर्म और पहचान जरूर देकर जाएगा। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए सोनू के साथ डिंपल भारद्वाज की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर